पाली पढ़ें भाग 5। रत्नत्रय। रत्नत्रय को सभी जानते हैं मगर रत्नत्रय के नाम से नहीं जानते इसको, जो थ्री जेम्स बोलते हैं उनके नाम से जानते हैं। इसका पाली में नाम है रत्नत्रय। रत्नत्रय का मतलब होता है रतन तत्व, यानी रतन तो हो गया जो जैम होता है, मणि होता है, जो ज्वेलरी होता है, रत्न तो उसको बोलते हैं, और जो तत्व है उसको बोलते हैं वास्तविकता या रियलिटी तत्व जो बोलते हैं, यानी कि जो वास्तविकता के यानी जो रियलिटी के तीन जैम हैं। अब रियलिटी में और आर्टिफिशियल में क्या अंतर है, यानी कि कृत्रिम में और जो वास्तविक है उसमें क्या अंतर है? बेसिकली भगवान बुद्ध की जो ये तीन जैम है, तीन जो रत्न है, इनको रियल या असली क्यों बोला जाता है? असली इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रत्न जिसके अंदर होते हैं वो पूरी जिंदगी चमकता है, चाहे बारिश हो या आंधी हो या तूफान हो या कैसा भी लोग वहां आए हो, या किसी भी देश में जाए, किसी मोहल्ले में जाए, किसी पड़ोस में जाए, किसी दफ्तर में जाए, कहीं दुकान खोले, व्यापार करे, किसान हो या खेती हो, अगर ये गुण उसके अंदर हैं तो वो हमेशा सारे मनुष्यों में अलग चमकता है। जैसे सारे पूरा का पूरा जो यूनिवर्स होती है, पूरे पूरे जो नक्षत्र होते हैं उसमें सूरज चमकता है, जो सूर्य है वो चमकता है, ठीक ऐसे ही जिस व्यक्ति में ये सारे गुण होते हैं वो रत्नत्रय हो जाता है, रत्न हो जाता है, तत्व उसके अंदर रियल आ जाते हैं। इसको असली जैम बोलते हैं, यानी जो ये तीन शरण हैं ये असली जैम हैं, ये तीन सबसे अच्छे रत्न हैं, रियल हैं, बाकी तो पत्थर वगैरह के हैं, वो सब टूटते फूटते रहते हैं। तो रत्नत्रय में जो पहला जैम है जो मैं आपको यहाँ पढ़ रहा हूँ पाली के अंदर, और थोड़ा सा उसका अर्थ भी बताऊंगा, आप उसको अच्छी तरह से याद करें, रटें, और उसका टिकटॉक वीडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक पे उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको अपने चेहरे को दिखाने में हिचक या कोई हेजिटेशन लग रहा है, आपको लगता है कि आप लोगों के सामने टिकटॉक पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे नहीं आना चाहते हैं रिकॉर्डिंग करते समय, तो आप अपने फोटो की जगह भगवान बुद्ध का फोटो लगा के अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें, मगर रिकॉर्ड जरूर करें और रिकॉर्ड करके एक दूसरे को, रिश्तेदारों को, सबको भेजें कि मैं पाली सीख रहा हूं और ये आज मैंने पाली में ये सीखा। देखिए रत्नत्रय में सबसे पहले जो रत्न है वो बुद्ध का रत्न है, जिसको बोलते हैं बुद्धो। बुद्धो का मतलब है एक बुद्ध, और अगर बुद्धा होगा तो इसका मतलब है बहुत सारे बुद्ध हो गए। अगर कहीं बुद्धो होता है, जैसे मेरा नाम है सुधीर हो, तो एक सुधीर और सुधीरा अगर कर दूंगा तो बहुत सारे सुधीर हो जाएंगे, ऐसे ही बुद्धो और बुद्धा का अंतर है। एक बुद्धो माने एक बुद्ध होता है तो बुद्धो, और बहुत सारे बुद्ध होते हैं तो बुद्धा। इतिपी सो भगवा अरहंग सम्मा सम बुद्धो विज्जा चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरिस दम सारथी सत्था देव मनुष्य सानं बुद्धो भगवा टी। इतिपी दो शब्द से मिलकर बना है, इति और अपि। इतिपी माने ऐसे ही तो हैं या ऐसे भी, सो माने होगे वह सो, और भगवा माने होगे भगवान, यानी भगवान का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको भगवा भी बोलते हैं पाली के हिसाब से। तो भगवान जैसे कपड़े पहनते थे उसको फिर भगवान का रंग बोलने लगे तो वो भगवा कलर हो गया, उसी कलर को बोलते हैं, उसका नाम ही पड़ गया भगवा कलर। ये जो आज के समय में आप देखते हैं चमकीला पीला, ये भगवा नहीं है, जो पेड़ की छाल से मिलता हुआ कलर है, दरअसल वो असली भगवान का कलर था जो पहनते थे। तो भगवा जहां आ गया इसका मतलब भगवान, और भगवान का मतलब जैसे जो भगवान ने गीत बताए, एक गीत को बोलते हैं गीतो, जैसे एक बुद्ध को बोलते हैं बुद्धो, एक गीत को बोलते हैं गीतो, और बहुत सारे बुद्धों को बोलते हैं बुद्धा, ऐसे ही बहुत सारे जो गीत हैं उनको बोलते हैं गीता। तो भगवा गीता यानी कि जो धम्मपद है वो भगवा गीता के नाम से भी प्रचलित है, भगवान का गीता यानी भगवा गीता, या भग वद, वद माने बोलना, यानी कि जो भगवान ने वध किए बोले वो गीत, तो भगवद गीता, तो वो धम्मपद का ये नाम से भी जानते हैं। तो इतिपी सो भगवा अरहंग, अरहंग का मतलब है अरहत, अरहत का मतलब है जिन्होंने सारे दुखों को, अर और हत, अर माने होता है दुख के आरे,
दुख की तिलियां जो धम्म चक्र के अंदर आप जो चक्र देखते हो, जैसे कोई पहिया देखते हो, उसके अंदर जो आरे होते हैं, तुली होते हैं, उनको अर बोलते हैं, और उनको कोई तोड़ दे, हत कर दे, तो उसको हत बोलते हैं। ऐसे ही जो जीवन की जितनी कड़ियां हैं जिनसे जीवन चलता है, उन सारी तुलियों को, उन सारी कड़ियों को हत कर दिया, उन सारे अर को हत कर दिया। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो अपने जीवन की सारी कड़ियां तोड़ देता है और फिर जीवन को पैदा नहीं होने देता है, अमर हो जाता है, अमरत्व हो जाता है, क्योंकि जब मरेगा ही नहीं तो अमर कहां से होगा, तो फिर दोबारा वो जिएगा कहां से, तो मरेगा क्यों। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी मरता ही नहीं है और वो अमर हो जाता है, उसको निर्वाण पद भी बोलते हैं, उसको अरहत भी बोलते हैं। तो अरहत यानी कि सारे जो धम्म चक्र या जीवन चक्र की जितनी अरियां थी, जितनी तुलियां थी, वो सारी हत कर दी, तोड़ दी, खत्म कर दी। तो इति पी सो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्धो, तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है सम्मा संबुद्धो। सम्मा माने बिल्कुल सही, राइट, सम्यक भी बोलते हैं, और सम माने होता है बिल्कुल बराबर और पूरा, और बुद्धो माने बुद्ध हो गए, यानी कि सम्मा संबुद्ध हैं, जो सही हैं और पूरे हैं बुद्ध। विज्ञा चरण संपन्नो, विज्ञा चरण संपन्नो तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक तो विज्ञा है, दूसरा आचरण है, और तीसरा संपन्न है। तो विज्ञा आचरण संपन्न, विज्ञा को बोलते हैं विद्या, जो संस्कृत भाषा में विद्या बोलते हैं, तो विद्या और आचरण, आचरण यानी कोड ऑफ कंडक्ट जो हम जीवन में जीते हैं, जिससे जिन नियमों से, तो विद्या चरण संपन्नो यानी कि वो विद्या है आचरण की, उससे संपन्न है, यानी कि जीवन के जीने के जो नियम है, जिनको सदाचार के नियम बोलते हैं, उनसे संपन्न है। तो कैसे हैं, विद्या चरण संपन्नो। इसमें जो चरण आता है, चरण का मतलब पैर नहीं है, क्योंकि पाली में कई के शब्द मिलते हैं, तो विद्या में जो आकर डंडा है वो आचरण से लग गया, यानी विद्या आचरण संपन्नो, विद्या चरण संपन्न बोलते हैं इसको, तो विद्या आचरण से संपन्न। सुगतो, सुगतो को माने हैं, दो सबसे मिलकर बना हुआ है, जहां भी सु लग जाए इसका मतलब है बहुत अच्छा है, जैसे मेरे नाम के आगे सु लगा हुआ है, सु माने बहुत बढ़िया, और धीर माने होता है बुद्धिमान, यानी कि सुधीर का मतलब है जो अच्छी बुद्धि वाला है। ऐसे ही सुगतो का मतलब है, सु माने अच्छा और गत माने होता है गति, यानी कि जो जिनकी जो गति है, गति का मतलब है दो गतियां हैं, एक तो पूरे जीवन में जो वो चलते हैं वो गति है, और जो लास्ट में उनकी डेथ होती है वो गति है, तो दोनों ही गति उनकी अच्छी है। कहते सुगति को प्राप्त हुआ लास्ट में, यानी उसकी डेथ अच्छी हुई, या सुगति है उसकी, तो यानी कि उसका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कैसे हैं, सुगत हैं, उनका एक नाम भी है सुगत बोलते हैं, जो बंगाल में बहुत चलता है, बहुत सारे नाम सौगत रखते हैं, सुगत रखते हैं, तो सुगतो। लोक विदु, लोक विदु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक माने आज के समय में, तो लोक का मतलब होता है वर्ल्ड और संसार, मगर पाली के अंदर लोक का मतलब होता है शरीर, यानी कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारी काया है, उसको बोलते हैं लोक, यानी ये जो हमारा शरीर है, जो बॉडी है हमारी, ह्यूमन बॉडी, इसको लोक बोलते हैं। और इस शरीर से बाहर जो भी चीज है, चाहे वो कैमरा है या लाइट है या घर का कोई सामान है या ऑफिस का सामान है या स्टूडियो का सामान है या दुनिया है या जल है, झरना है, जहाज है, पहाड़ है, या कोई कंट्री है या हवा है या नक्षत्र है, यूनिवर्स है, वो सभी सब परलोक में आते हैं, यानी कि हमारे शरीर के बाहर जो भी है, लोक के बाहर जो भी है, परे जो भी है, वो परलोक है। और जो अलोक है, यानी कि दिखाई नहीं देता और है, उसको बोलते हैं अलोक। अलौकिक घटना देखी ना आपने, अलौकिक यानी जो मन है हमारा, वो अलौकिक घटना में आता है। मन कैसा है, अलोक है, वो दिखाई नहीं देता, वो शरीर के अंदर भी रहता है, शरीर के बाहर भी रहता है, इसलिए वो अलोक है, यानी कि शरीर नहीं है उसका, बिना शरीर का है, उसको अलोक बोलते हैं। तो एक लोक हो गया, एक परलोक हो गया, और एक अलोक हो गया। तो वो लोक विदु यानी वो शरीर को सब जानते हैं, वो परलोक भी जानते थे, अलोक भी जानते थे, और लोक भी जानते थे। तो लोक विदु है, विदु माने जानकार, यानी कि शरीर के जानकार हैं। अनुत्तरो, अनुत्तरो दो सबसे मिलकर है, अनुत्तर यानी कि उनका कोई उत्तर नहीं है, लाजवाब है वो, अनआंसरेबल है। अनुत्तरो पुरुष दम्भ सारथी, पुरुष जो बोलते हैं पाली के अंदर, पुरुष का मतलब है नर और नारी, और दम माने होता है दमन करना, शांत करना, संयम करना, उनको अच्छे से सिखाना, जो उनके अंदर क्रोध और लालच है, जो बुरी बातें पाप है, उसका दमन करना, उसको शांत करना। तो पुरुष दम और सारथी माने होता है जो रथ के साथ चलता है, यानी कि जो आपके साथ चले, आपका साथी है, उसको, जो आपके रथ को लेके जाए, जो आपको पहुंचा दे आगे तक,
उसको सारथी बोलते हैं, जो आपको किसी स्थान तक पहुंचा दे। तो पुरुष दम्भ सारथी है, यानी कि जो लोग हैं नर नारी हैं उनके पापों को शांत करना के सारथी हैं, सहायक हैं, ऐसे हैं। सत्था, सत्था माने होता है शास्त्रा, सत्था माने टीचर बोलते हैं। सत्था माने जो होता है वो शास्त्र, शस्त्र होता है शास्त्र, और सत्था माने होता है शास्त्रा यानी कि टीचर, शास्त्रा हैं, टीचर हैं। देव मनुष्यानंग, देव और मनुष्यों के लिए, यानी कि देव मनुष्यानंग, देव उनको बोलते हैं जो अच्छे काम करते हैं, पांच का पालन करते हैं, चोरी नहीं करते, चकारी नहीं करते, उनको देव बोलते हैं। और जो ये काम नहीं करते और जो पंचशील का पालन नहीं करते उनको वो मनुष्य बोला गया है। तो देव और मनुष्य दोनों के ही साथ हैं, वो दोनों के ही टीचर हैं। बुद्धो, बुद्धो माने बुद्ध, भगवा ती, और भगवा माने भगवान, और ती माने, ती का मतलब है इति, यानी कि वाक्य समाप्त होता है तो ती लगाते हैं यहां, तो ती का मतलब है कि ऐसे हैं, यानी कि ऐसे हैं, ऐसे कहे गए हैं, ऐसे बताए गए हैं। तो इसको मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ये बुद्धो है रत्नत्रय में, और इसको आप बार 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 पढ़ें और समझें इसको, और इसकी टिकटॉक और वीडियो बना के डालें। इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्ञा चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष दम सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। इसमें जो शब्द आता है पुरुष दम सारथी, कई बार इसको धम्म बोल देते हैं, जो जानकार नहीं है या जिनको अच्छी तरह से नहीं पता है तो वो बोलते हैं पुरुष धम्म सारथी, उनको लगता है धम्म के सारथी हैं। पुरुष माने समझते हैं कि पुरुष का मतलब है, जैसे पुरुष से पुरुष बना हुआ है, तो पुरुष को अधिकतर जो मेल है उसी के लिए आज के समय में बोलते हैं, मगर पुरुष का मतलब होता है पुरुष का नर और नारी दोनों। तो इसको आप बार 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 इसको याद करेंगे और इसको बोलेंगे, और इसके जो शब्द अर्थ हैं वो एक एक बार आप जानेंगे तो ये आपको बुद्धो है ये काम आ जाएगा। और जब बुद्ध वंदना होती है तो बुद्ध वंदना में ये लाइनें सबसे पहले बोली जाती हैं। इतिपि सो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष दम सारथी सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवा ती या भगवा इति। आप इसको गाकर भी अच्छी तरह से बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं। इतिपि सो भगवा अरहंग सम्मा संबुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष दम सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति। इसके अलावा आप नेट पे देखेंगे तो नेट पे आपको बहुत सारी तरह के एक्सेंटों में लैंग्वेज मिलेगा, बड़े बड़े अच्छे स्वर में लोगों ने गाई हुई है, आप उनसे देखें, मैच करें और गाएं, और अपने रिश्तेदारों को भेजें कि देखो हम पाली सीख रहे हैं। ये जरूरी है, जो बुद्धिस्ट परिवार हैं, जो खासतौर से जो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी परिवार हैं, जो धर्म को पूरी तरह से पालन करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, उनको बार बार भेजें और उनके रिकॉर्डिंग करा के, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और गाते हैं, और उनको टिकटॉक बना के या उनका फेसबुक पे या यूट्यूब पे या जहां भी वो लोड कर सकें अपने रिश्तेदारों को भेजें। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangham.
Shut up.